हेलो दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वह गवर्नर जनरल और वायसराय से रिलेटेड है दोस्तों। खास करके इसी में लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं और क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट में वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। दोस्तों, आज का सेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिहार में शिक्षक बहाली होने वाला है बीपीएससी के तहत, और बीपीएससी में एक से दो क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछे जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल वायसराय, और ये भी याद करना है इसमें कि प्रथम और अंतिम, और यही एग्ज़ाम में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, बच्चा लोग वहाँ गलती करके चले आते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे गवर्नर जनरल और वायसराय, और प्रथम भी और अंतिम भी, ये हम लोग याद करेंगे इसको। बंगाल का गवर्नर अगर पूछा जाएगा दोस्तों, प्रथम तो रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का गवर्नर तो प्रथम में पूछा जाएगा तो रॉबर्ट क्लाइव, और अंतिम पूछा जाएगा तो वारेन हेस्टिंग्स। यानी बंगाल का गवर्नर तो प्रथम में रॉबर्ट क्लाइव, और अंतिम में पूछा जाएगा तो वारेन हेस्टिंग्स। इसी तरह से अगर पूछा जाता है बंगाल का गवर्नर जनरल, अगर प्रथम में पूछा जाता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल, तो वारेन हेस्टिंग्स, और अंतिम पूछा जाएगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद रखेंगे हम लोग। दोस्तों देखिए, यहाँ पे बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम में तो रॉबर्ट क्लाइव, और यहाँ पे अगर अंतिम में पूछा जाएगा तो वारेन हेस्टिंग्स, और पूछा जाएगा बंगाल का गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स, और अंतिम में पूछा जाएगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसी तरह से देखेंगे भारत का गवर्नर जनरल, तो भारत का गवर्नर जनरल तो यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक, और अंतिम पूछा जाएगा तो लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों, आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, ताकि इसको नोट करते जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो भारत का गवर्नर जनरल प्रथम में लॉर्ड विलियम बेंटिक, और अंतिम में आपका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद से देखेंगे भारत का वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग प्रथम में, भारत का वायसराय में लॉर्ड कैनिंग प्रथम में, और अंतिम में देखा जाए तो लॉर्ड माउंट बेटन। तो भारत का वायसराय प्रथम में हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, और अंतिम में लॉर्ड माउंट बेटन। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे भारतीय वायसराय, तो यहाँ पे प्रथम में सिराज गोपालचारी, और अंतिम भी यही रहे। दोस्तों, यह परीक्षा की दृष्टि से इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत का प्रथम भारतीय वायसराय तो सिराज गोपालचारी, और अंतिम भी पूछा जाता है कि भारत का भारतीय जो वायसराय थे वह अंतिम में कौन थे, तो सिराज गोपालचारी। तो यह बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, हर बार बीपीएससी के एग्ज़ाम में इससे एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो भारत का भारतीय वायसराय अगर पूछा जाता है तो प्रथम में सिराज गोपालचारी, और अंतिम में भी सिराज गोपालचारी। तो आई होप कि आप लोग गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में समझ गए होंगे। इसके बाद से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, कि भारत में द्वैध शासन व्यवस्था का शुरुआत किया गया था। तो द्वैध शासन व्यवस्था का शुरुआत जो किया गया था वह रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था, यानी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था का शुरुआत भारत में किया गया था। इसके बाद से मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं अंग्रेज के मध्य इलाहाबाद की संधि हुई थी, तो 12 अगस्त 1756 में।
यानी सॉरी 1765 में हुआ, यानी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य इलाहाबाद की जो संधि हुई वह 12 अगस्त 1765 में हुई। इसके बाद से रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल तथा बिहार के लिए उप दीवान क्रमशः नियुक्त किए थे, तो मुहम्मद राजा खां एवं राजा सिताब राय, यानी रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल तथा बिहार के लिए उप दीवान क्रमशः नियुक्त किए थे मुहम्मद राजा खां और राजा सिताब राय। इसके बाद से आते हैं, भारत से द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया था तो वारेन हेस्टिंग्स ने। दोस्तों यहाँ पे पूछा जाता है कि द्वैध शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया, तो वारेन हेस्टिंग्स। और यहाँ पे देखेंगे इसने ही सुरक्षा पर कुष्ठ की नीति का प्रतिपादन किया, यानी वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा सुरक्षा पर कुष्ठ की नीति का प्रतिपादन किया गया। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाले वार्षिक पेंशन को बंद किया, यानी मुगल सम्राट में वार्षिक पेंशन देने की प्रथा थी जिसे वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा बंद कर दिया गया। इसी के समय पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित हुआ। इसी के समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। दोस्तों यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके समय में होती है, तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में। दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स यानी बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, और बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम और गवर्नर अंतिम बंगाल का। इसके बाद से देखेंगे इसी के समय 1784 में सर विलियम जॉन्स द्वारा द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। इसने कोलकाता में प्रथम मदरसा 1781 की स्थापना की। इसी के समय जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय यानी 1782 की स्थापना की, यानी 1782 में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी 1793 में इसने अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया। इसके बाद से देखते हैं भू राजस्व वसूलने हेतु रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया, तो कर्नल रीड के द्वारा। दोस्तों यह एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप लोग देखिए भू राजस्व वसूलने हेतु रैयतवाड़ी व्यवस्था में लागू किया गया तो किसके द्वारा पूछा जाता है, तो कर्नल रीड के द्वारा। यहाँ पे लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि एक होता है महलवाड़ी व्यवस्था और एक होता है रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो जहाँ पे अगर महलवाड़ी व्यवस्था आता है तो वहाँ पे मैकेंजी याद रखिएगा, महलवाड़ी से मैकेंजी, यानी हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा भू राजस्व वसूलने हेतु महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया जाता है, जबकि भू राजस्व वसूलने हेतु रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया जाता है। तो जहाँ पे रैयतवाड़ी आता है तो वहाँ रीड याद रखिएगा यानी कर्नल रीड, और जहाँ पे महलवाड़ी याद करना है वहाँ पे हॉल्ट मैकेंजी। तो आप लोग दो इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही पूछा जाता है आपसे कि महलवाड़ी, तो हमेशा याद रखिएगा मन में कि मैकेंजी यानी हॉल्ट मैकेंजी, और जहाँ पे पूछा जाएगा रैयतवाड़ी तो वहाँ पे याद रखिएगा कर्नल रीड के द्वारा। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक था वह गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित था, जो कि एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आई होप कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद दोस्तों।